हेलो एंड वेलकम टू टारगेट जेके एग्जाम्स विच इज़ ऑलवेज वन स्टेप अहेड. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स. अब यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी एक वे के साथ हम सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यानी यहाँ पे बनते हैं, उसके बाद किस तरीके से आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए. इन सिनोनियम्स और एंटोनियम्स से सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ अपने एग्जाम्स को ही नहीं टारगेट करेंगे, बल्कि आप अपनी स्पोकन के अंदर इनरिचमेंट करेंगे, अपनी स्पोकन के अंदर आपको काफ़ी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे ये जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की लेक्चर्स यहाँ पे बनाई गई है या बनाई जा रही है आप सभी के लिए, इसके अंदर लगभग हम ए टू जेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स और यहाँ पे एंटोनियम्स हैं उन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे. बस आप सभी का यहाँ पे इस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर सपोर्ट चाहिए. इसी तरीके से तीन पार्ट्स और होंगे जिसके अंदर यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की हम बात करेंगे. अब इन सभी यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के अंदर आप उन प्रैक्टिस ज़रूर करें इनके ऊपर, उसके बाद आप जब ये लेक्चर को वॉच करें और इस लेक्चर के बीच में अगर आपको कोई ऐसा सिनोनियम्स या एंटोनियम्स आपको दिखने को मिले उसके अंदर यहाँ पे ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये अगर पूछा गया हो वो किसी भी लेवल के एग्जाम में जो आपने अभी दिया है. इसीलिए आप सभी को एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट सीरीज़ या कोई आपको कोर्स चाहिए तो आप हमारे इस टारगेट जेके एग्जाम के ऐप को यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपने आपको किसी भी कोर्स के अंदर जो आपका इच्छुक कोर्स है जिसके अंदर आप यहाँ पे इनरोल होना चाहते हैं उसके अंदर आप अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सिनोनियम्स का मतलब क्या है. अब देखिए सिनोनियम्स की बात करें तो इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब एग्जाम्स के अंदर या पार्टिकुलर किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसमें से बनता है, यानी ऐसा वर्ड जिसके दूसरे सिमिलर मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे. आपको एक लाइन में पूछा जाएगा किस प्रकार से, उसको भी हम देखेंगे. जैसे यहाँ पे एग्जाम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वॉन्ट का यहाँ पे दूसरा, वॉन्ट का मतलब होता है डिज़ायर होना, ख्वाहिश होना, किसी चीज़ की चाहत होना. तो डेफिनेटली इसका यहाँ पे आपको सिमिलर ही कैसा डिज़ायर, यानी जो ऑलमोस्ट इसके आपको सिमिलर देखने को मिले. विंड और ब्रीज यहाँ पे आपस में सिमिलर देखने को मिल रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंट मिसस्पेलिंग से वो आपको डिफरेंट लगे, बट यहाँ पे उनका यूज़ जो होता है एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है ताकि उस सेंटेंस के अंदर जो इस सेंटेंस का पार्टिकुलर जो मतलब निकल रहा है वो थोड़ा सा मेंटेन हो, उसके लिए आपको यहाँ पे सिनोनियम्स का यूज़ करते हैं. ये डेफिनेशन आपकी रहती है सिनोनियम्स की. उसके बाद एंटोनियम्स की जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है, यानी सिनोनियम्स यहाँ पे वांट है, उसके बाद यहाँ पे यह लव है तो इसका आपको हेट हो जाएगा, हैप्पी है तो सैड हो जाएगा, लाफ है तो क्राई हो जाएगा. इट मीन्स टोटली एंटी, इसकी अपोजिट मीनिंग. जैसे यहाँ पे इन है तो इनका अपोजिट आपको क्या देखने को मिलेगा, आउट देखने को मिलेगा. तो ये आपका पार्टिकुलर मतलब होता है एंटोनियम्स का. सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको बताना है. इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो आपको इस यानी जो वर्ड है उसका सही से मीनिंग एक्सप्रेस करता हो. जैसे सबसे पहले यहाँ पे है डिनाई. अब यहाँ पे डिनाई इसका सिंपल सा अगर आपको वैल्यू देखना हो तो JKPSI एग्जाम के अंदर देख लें, इन सभी को यहाँ पे पूछा गया था तो यहाँ से आप देख लें. अब इसका यहाँ पे आपको सिनोनियम देखना है. डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, किसी को रिफ्यूज़ करना. इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन जो भी होगा तो वो सिर्फ यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका सिमिलर मीनिंग ही होगा और वो सिमिलर मीनिंग यहाँ पे क्या रिगेन होगा, रिगेन नहीं होगा, क्या रिफ्यूज़ होगा, तो रिफ्यूज़ इसका करेक्ट आंसर होगा, ना रिपेयर होगा और ना रिड्यूस होगा. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इटरनल. अब यहाँ पे इटरनल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इटरनल का मतलब क्या होता है, मीन्स काफ़ी एक मीन्स पवित्र जिसकी हम बात करें, इट्स इटरनल ट्रूथ, इटरनल वे, मीन्स कड़वा, बहुत ही अच्छा और सच्चा. इसका क्या इनमरेबल होगा, इमेजरेबल होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा या यहाँ पे आपको परपेचुअल होगा. तो यहाँ पे आपको इसका बताना है. तो इसका जो सही आंसर होगा वो परपेचुअल होगा. अब यहाँ पे इटरनल के और भी काफ़ी सिनोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे जब आगे हम लेक्चर्स के अंदर जाएंगे. यहाँ पे मिसली आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न समझना है आपको किस प्रकार के पूछे जाते हैं. उसके बाद जब हम आगे डिस्कस करेंगे इन सभी को
इटर्नल के जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इन रेज, इन रेज यहाँ पे ये भी आई थिंक सो कि किसी एग्जाम से PVIQs में से लिया गया, जेके पीएसए एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार का एक देखने को मिला था, यही देखने को मिले था। अब बात करें यहाँ पे इन रेज का, यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब आपको पता है, इन रेज का मतलब होता किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कर देना, गुस्सा दिला देना, यानी यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या दिलवा देना, गुस्सा दिला देना। तो इन्फ्यूरेट या यहाँ पे काम, प्लीज या प्लेकेट, तो आपको इसमें से बताना है कि इन इन रेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी किसी को गुस्सा दिलाना, तो इन मीन्स किसी को फ्यूरेट कर देना, किसी को यहाँ पे क्या कर देना, इन्फ्यूरेट मीन्स आग बबूला कर देना, तो इसका यहाँ पे ए पोर्शन जो ए होगा वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे उसके बाद अभी मीन्स लास्ट सिनोनियम्स है, इस तरीके से आपको याद रखना, डिग्रेस्ट, डिग्रेस्ट, डिग्रेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे किसी को डाइवर्ट कर देना, डिग्रेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को कम्प्लीटली यहाँ पे डाइवर्ट कर देना, किसी को वहाँ से भटका देना, जिस तरीके से हम बोलते हैं किसी को भटका देना, पॉइंट से स्टिक रहना नहीं, उस पॉइंट से किसी को डिस्ट्रैक्ट कर देना, ड्रिफ्ट कर देना, उसके बाद बनाए रखना नहीं, सिमिलरिटी नहीं, यानी यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही से आंसर होगा। आई होप आपको ये पता चला। कभी कभी आपको सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस के अंदर यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आई डिनाई हिम अबाउट कमिंग देयर, सो यहाँ पे डिनाई का आपको पूछा जाएगा, अंडरलाइन करा होगा किसका, आपको सिमिलर मीनिंग का आपको ऑप्शंस में से ढूंढ के बताना, तो उसका रिफ्यूज होगा, इस तरीके से भी आपको पूछा जाता है। अब एंटोनियम्स का भी यही तरीका होता है, जैसे आपको पहला एंटोनियम्स है फास्टिडियस, अगर हिंदी में इसकी या अपने लोकल हिसाब से इसको समझने की बात करें तो फास्टिडियस का मतलब होता है नचड़ा, जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा आपको मीन्स इस प्रकार का ही मीन थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का जो इंसान रहता है उसको आप कहते हैं फास्टिडियस। अब यहाँ पे फास्टिडियस का जो आपको अपोजिट मीनिंग देखना है, अब अपोजिट मीनिंग किस तरीके से होगा, यानी अगर वो नकचड़ा है तो इसका मतलब वो काफ़ी कोऑपरेटिव एडजस्टेबल होगा, मीन्स इस तरीके से, तो इसका यहाँ पे कोऑपरेटिव भी नहीं है, यानी अगर सपोज करो वो आपसे क्या रहता है, फास्टिडियस मूड में रहता है, नाक चढ़ा के रहता है, इसका मतलब वो आपसे इसका एंटी जो होगा वो एडजस्टेबल होगा, यानी कोई आपसे अगर आपको गुस्से में रहता है तो उसका आपको यहाँ पे जो दूसरा मतलब होगा इसका डिसेप्टिव। अब देखो यहाँ पे डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, जो कभी हमें देखो डिसेप्टिव का मतलब होता है, यहाँ पे डिसीव करके आपने एक वर्ड सुना होगा, डिसीव का मतलब होता किसी को धोखा देना, और डिसेप्टिव का मतलब होता किसी के साथ छल करना, जिसको आप हिंदी में छल कहते हैं, यानी किसी के साथ धोखा करना, किसी को मीन्स गलत तरीके से, यानी किसी सच्चाई का विश्वास दिला देना, यानी एक फाल्स इंप्रेशन आप किसी के ऊपर जब आजमाते हैं तो तब आप इसका यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आपको डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी को यहाँ पे छलपूर्ण, यानी यहाँ पे किसी को ये विश्वास दिलाना कि ये चीज़ क्या है, सच नहीं है, इस तरीके की आप जब हरकत करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, उसको आप यहाँ पे कहते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे आपको सिमिलर जो मतलब है वो आपको यहाँ पे मिसलीड देखने को मिलेगा, और इसका जो एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा रिलायबल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद डायरेक्शन, यानी यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंटोनियम्स के अंदर से, टेंजिबल। अब यहाँ पे इसको भी शायद अभी रिसेंट एग्जाम में JKPSI के एग्जाम से उठाया गया है, ये पहले की स्लाइड से, लेकिन आपको बताने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बना था JKSSB में, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग था। टेंजिबल की बात करें तो रेपिटेटिव में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जिसकी कोई आकार ना हो, मीन्स शेपलेस जो होता है, यानी टेंजिबल, अनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, यानी फॉर्मलेस, और टेंजिबल का मतलब होता है जिसका कोई आकार हो, जिसकी कोई शेप हो, उसको आप टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल का मतलब शेप, हैविंग शेप, यानी कोई फॉर्म जिसकी हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एंटोनियम्स क्या आएगा, इसका फॉर्मलेस, इसका एंटोनियम्स आएगा। टेंजिबल का मतलब रियल, फिजिकल, मटेरियल, इस तरीके से आप इसके सिनोनियम्स हैं, और फॉर्मलेस यहाँ पे इसका आपको एंटोनियम्स देखने को, एंटोनियम्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रानेशियस। एक्स्ट्रानेशियस का मतलब होता आउटवर्ड वाला, यानी यहाँ पे काफ़ी आउटवर्ड, एक्सटर्नल आउट, यानी जो आपकी जैसे आउटवर्ड साइड की बात करें, एक्स्ट्रा का मतलब मीन जो इससे बाहर हो, यानी सपोज करो इससे एक्स्ट्रा जो हो तो वो आउट ही होगा, तो यहाँ पे इससे एक्स्ट्रानेशियस की बात करते हैं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल होता है, इरेलीवेंट, इंट्रिंसिक और एलियन यहाँ पे होता है, इसके यहाँ पे क्या है, इरेलीवेंट, इरेलीवेंट,
इंटरसिनिक और एलियन, एलियन यहाँ पे आउटसाइड होता है, इरेलीवेंट भी यहाँ पे आउटसाइड होता है और एक्सटर्नल भी आउटसाइड होते हैं, ये इसके सिनोनियम्स हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है, यानी एक्सप्रेस द अपोजिट यहाँ पे, ये आप एंटोनियम्स की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जो होगा वो इंट्रेंसिक होगा, इंट्रेंसिक यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस प्रकार के आपको अप्रोच रखनी है। यहाँ से आपका जो मेन पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एबंडन की बात करें, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को लीव कर देना, छोड़ देना, यानी यहाँ पे किसी को आप छोड़ देते हैं, किसी को लीव कर देते हैं, उसको आप एबंडन कहते हैं। उसकी जगह पे आपको इसको डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब देखो, जैसे डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, उसमें वहाँ पे किसी को छोड़ दिया, आई डिजर्ट यू, डिजर्ट का मतलब भी यहाँ पे छोड़ना ही होता है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद क्विट भी कर देते हैं, यानी किसी टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाते हैं, उसको आप क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। उसके बाद फॉरगो का मतलब होता है, यानी किसी चीज़ को जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, जब जिसको आप डिसाइड करना चाहते हो उसकी आप छोड़ देते हैं, उसको आप यहाँ पे फॉरगो कहते हैं, जाने देते हैं। रिनाउंस होता है त्याग देना, या जैसे आई हैव जस्ट रिनाउंस माई रिटायरमेंट, मैंने अपनी रिटायरमेंट घोषणा कर दी। सरेंडर कर देना, किसी के आगे घुटने टेक देना, उसका भी है। उसके बाद इसका यहाँ पे एंटोनियम्स क्या होगा, कंटिन्यू, कीप और यहाँ पे परस्यू, यहाँ पे कंटिन्यू, कीप और परस्यू, इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अबेट का मतलब होता है मीन्स स्पीड को लो कर रहा है, यानी काफ़ी, जैसे सपोज करो किसी के यहाँ पे आप कोई काफ़ी स्ट्रांग है, आप उसको किसी तरीके से लेस कर देते हैं, यानी किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, उसका मतलब होता है एबेट करना, यानी धीमा होना, कम होना, या किसी को आप स्ट्रांग लेस स्ट्रांग कर देते हैं, या किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को जब आप स्ट्रांग कम कर देते हैं उसको आप एबेट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल से आप समझोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक तूफान आया अभी इंडियन ओशन के अंदर, आप बोलोगे दिस स्टॉर्म शोड नो साइन ऑफ एबेटिंग, जो ये स्टॉर्म अभी आया था इसने कोई भी यहाँ पे मीन्स लो स्पीड होने के, यानी कम स्ट्रांग नहीं था, यानी इसने कम होने की कोई भी यहाँ पे आसार नहीं दिखाए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी जो डिज़ायर्स रहती है हमेशा हाई रहती हैं, मैं बोलूँगा ओवर डिज़ायर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स हैज़ नॉट अबेटेड, कभी हमारी जो डिज़ायर से कभी कमी नहीं हुई चीज़ों के लिए, हमेशा बढ़ी रही, हमेशा बढ़ी रही। अब इसके सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, इसका मतलब अबेट का मतलब होता मॉडरेट, डिक्रीज, सबसाइड और इब। इब यहाँ से आप समझ लें, इब का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे सपोज करो कि एक फीलिंग्स टाइप के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे आपके टाइड भी आपने देखी होगी, इब टाइड होती है जो दिन में सिर्फ दो बार आती है, दिन में दो बार आती है, आपने जियोग्राफी के अंदर इस टर्म को पढ़ा होगा। इब इसका मतलब होता कम होना और बढ़ना, डाउन डिक्लाइन होता है, डाउनफॉल होता है, पहले ऊपर जाती फिर पीछे आती फिर आगे जाती है, तो इस प्रकार की इब टाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद इसका मतलब जैसे मैं क्राउड इस मैं कहूँगा द क्राउड्स एंथुसियाज्म बिगेन टू इब, यानी जो क्राउड का जो जोश था पहले तो काफ़ी था, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। वैन का मतलब भी होता है डिक्लाइन होना, वैन का मतलब डिक्लाइन या डाउनफॉल को हम कहते हैं वैन। इसके आप एंटोनियम्स की बात करें तो एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब होता है किसी को काफ़ी सीरियस बना देना, तो यहाँ पे स्ट्रांग बनाना, इसको काफ़ी सीरियस, काफ़ी स्ट्रांग बना देना, किसी को इंटेंसीफाई कर देना, बढ़ा देना, किसी को बढ़ावा देना, एक्सटेंड करना या फिर ग्रो, यहाँ पे इस प्रकार से इस एबेट के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एबेश का मतलब होता है, एबेश का मतलब है किसी को कम्प्लीटली क्या कर देना, मीन्स ख़त्म कर देना, किसी की पोजीशन को, सेल्फ पोजीशन को, किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यानी क्या कर देना, ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं एबॉश, यानी सॉरी उसको कहते हैं एबेश। एबेश का मतलब है डिस्करेज कर देना। सपोज करो आपके पास आपके ड्रीम को पाने के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था, बट समबडी हैज़ एबेश्ड योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद कन्फाउंड कर देना, सीमित कर देना, डिस्कम्पोज कर देना, इस तरीके कंपोज जुटाना और डिस्कम्पोज में बिखेर तोड़ देना। उसके बाद एंटोनियम्स का मतलब है इस्टेब्लिश करना, अपहोल्ड या फिर इम्बोल्डन, इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद है एब्रीवेट, एब्रीवेट का मतलब होता है किसी को शॉर्ट कर देना, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम एब्रीवेट करके उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MLA। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एब्रीवेट का मतलब होता है किसी को शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, एब्रिज कर देना। उसके बाद यहाँ पे है ट्रंकेट, अब यहाँ पे ये ट्रंकेट हम समझेंगे, यानी किसी को या किसी इंसान को काफ़ी छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना, स्पेशली हम बात करें जब हम कभी सपोज करो किसको टॉप और एंड से किसी चीज़ को हम जब शॉर्ट करते हैं ना, सपोज करो ये कि यहाँ पे स्टिक है, मैंने इसको थोड़ा टॉप से काटा और थोड़ा यहाँ से काटा, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको कहते हैं ट्रंकेट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, कम कर देना, इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। लेंथन, किसी की लेंथ को बढ़ा देना, किसी को बढ़ा देना, एक्सपांड कर देना, इलोंगेट कर देना। इसकी जगह पे एक दो और आप लिख लें इंक्रीज, यहाँ पे एब्रीवेट की यहाँ पे एंटोनियम्स क्या होगी, इंक्रीज होगा, या फिर एक दूसरा होता है एम्पलीफाई, AMPL, एम्पलीफाई भी इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एबडिकेट,
ये एबडिकेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मीन्स कम कर देना, क्विट कर देना, यानी यहाँ पे किसी चीज़ को किसी सीट से गिव अप कर देना, हम बोलते हैं ना डोंट गिव अप। आप यहाँ पे डोंट गिव अप की जगह पे डोंट एबडिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स किसी चीज़ को क्या कर देना, त्याग देना, उससे लीव कर देना, जैसे किसी की पावर या पोजीशन को अपनी छोड़ देना। सपोज करो यू आर किंग ऑफ योर ओन किंगडम बट यू हैव एबडिकेट फ्रॉम योर पोजीशन, यानी यू हैव एबडिकेटेड फ्रॉम योर पोजीशन, आपने उसको त्याग दिया, अबंडन कर देना, रिटायर हो जाना, रिजाइन ले लेना, क्विट कर देना। इसकी जगह आप एक दो लिख लें स्टेप डाउन, एक तो स्टेप डाउन लिख लें और दूसरा एबज्यूर, ABJURE, एबज्यूर का मतलब भी होता है किसी चीज को छोड़ देना। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट और टेक ऑन आपको इसका एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है एबेटर, एबेटर का मतलब क्या होता है, यानी समवन हु हेल्प्स इनकोरेज, मीन जो किसी को हेल्प करता है, किसी को प्रोत्साहन इनकोरेजमेंट देता है ताकि वो कुछ क्या करे, एक इलीगल या कोई रॉन्ग काम कर पाए। सपोज करो किसी को बुरे काम के लिए बढ़ावा देना, उसको कहते हैं एबेटर, जैसे एकम्प्लाइज सपोर्टर या कोलोबरेटर या एडर, एड का मतलब होता है हेल्प और एड से ही एक दूसरा वर्ड बनता है एडर, इसकी जगह पे आप वो भी लिख सकते हैं एकम्प्लाइज सपोर्टर और कोलोबरेटर और एडर। उसके बाद दुश्मन, यहाँ पे सपोर्टर है उसका एंटी क्या आएगा, दुश्मन, यहाँ पे फो, इसकी जगह पे आप अपोनेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवर्सरी भी लिख सकते हैं, ये सभी आपको PDF के अंदर दे दूंगा मैं यहाँ पे, तो एक बार आप इनको सिर्फ लिसन करें। उसके बाद सबसे पहले आपको इसका तो मतलब पता ही होना चाहिए, एबिलिटी, यानी आप सभी को पता है कैपेसिटी, एक पोटेंशियल होता है, यानी एक काबिलियत की बात करें, यानी एक्सपर्टाइज किसी चीज़ में आपकी एबिलिटी अच्छी है, बोलने की एबिलिटी एक्सपर्टाइज हो आप इसमें। एप्टीट्यूड का भी मतलब होता है, आपको एप्टीट्यूड पूछी भी जाती है ना, तो इसका आपकी काबिलियत आपको चेक करा जाता है कितने आप एप्टीट्यूड हैं, तेज हैं। उसके बाद इनएबिलिटी की बात करें, इसका एंटोनियम्स होगा, इनकैपेसिटी की बात करें या डिसएबिलिटी की बात करें या इनकम्पिटेंसी की बात करें, तो उसको भी यहाँ पे एबिलिटी का ही एंटोनियम्स माना जाता है। उसके बाद एबज्यूर, जिसे एबज्यूर की हमने एबडिकेट की में बात करी थी, उस एबज्यूर को यहाँ पे देखें, यानी किसी को क्या कर देना, मीन्स पब्लिकली या फॉर्मली कुछ क्या कर देना, छोड़ देना। जब हम किसी को पब्लिकली यानी या छोड़ देता, क्योंकि एबडिकेट इसका यहाँ पे क्या आएगा, इसका सिनोनियम्स में एबडिकेट आ सकता है। इससे ये भी देखें कि आपको सिर्फ एबिलिटी का ये नहीं, उसका भी एबिलिटी हो सकता है, यानी अगर एबज्यूर है, एबज्यूर का मतलब रिनाउंस होता है, अबंडन होता है, रिटायर होता है, तो इसका मतलब रिटायर का सिनोनियम्स यहाँ पे एबज्यूर आ जाएगा। इस तरीके से फॉरसेक, रिनाउंस, अप्रूव और सेक्शन, इसके यहाँ पे एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एब्जेक्ट है, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी सपोज करो मीन्स किसी के स्टैंडर्ड्स को, जैसे अगर आप ह्यूमन डिसेंसी की बात करें, डिग्निटी की बात करें, उसको यहाँ पे कम कर देना, एब्जेक्ट कर देना, यानी यहाँ पे उसके नॉर्मल स्टैंडर्ड्स को से भी नीचे आ जाना, उसको कहते हैं एब्जेक्ट। इसका आपको है डेस्पिकेबल, सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी। सपोज करो जब आप किसी की गुलामी करते हैं, सपोज करो किसी की चापलूसी करते हैं, आप सपोज करो कोई आपका अपना रीजन का MLA है, आप उसकी पार्टी को ज्वाइन करके आप उसकी गुलामी करते हो, लोगों को यहाँ पे परसुएट करते हो, मनाते हो कि इसके लिए आप इनके लिए वोट डालें ज़रूर जब इलेक्शन में जाएं। फॉनिंग का भी मतलब यही होता है, उसके बाद क्रीपिंग का भी मतलब यही होता है, क्रॉलिंग का भी मतलब होता है रेंग के चलना। इसका मतलब यहाँ पे सर्वाइव का मतलब होता है चापलूसी करना, यानी गुलामी करना। सर्वाइव का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना गुलामी के तरीके से, इसको आप सिकोफेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा देखने को मिल रहा है एब्लेज, एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ कोई चीज़, जैसे सपोज करो कोई जल रहा है उसको आप एब्लेज कहते हैं, यानी कोई काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली जल रहा है, उसको आग लगी हुई है, बर्निंग स्ट्रांगली एब्लेज होता है, या पूरे तरीके से वो आग में है, कम्प्लीटली ऑन फायर जल रहा है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बात करें तो इसका मतलब आग तभी लगती है जब गुस्सा होता है इंसान, फ्यूरियस, यानी किसी को हम उकसाते हैं, इग्नाइट करते हैं, बर्निंग। या इसकी जगह पे आप प्रोवोक का भी यूज़ कर सकते हैं, किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोवोक का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन फायर, एब्लेज से सिंपल का मतलब है ऑन फायर। उसके बाद यहाँ पे इसका एंटोनियम्स क्या आ जाएगा, किसी चीज़ को बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड, इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। इसकी जगह पे आप यहाँ पे अगर आपने नोट्स प्रिंट करवा दिए हैं इसका, तो इसकी जगह पे अगर नहीं लिखा है तो डार्क लिख दें। उसके बाद डिम भी इसका हो सकता है, DIM, डिम, और अनएक्साइटेड भी हो सकता है, और इसका सिनोनियम्स यहाँ पे एक्साइटेड भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी आप ज़रूर लिख लें। उसके बाद यहाँ पे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है जैसे सपोज करो हम नहाते धोते हैं ना, सर्दियों के अंदर हम एक हफ्ते के बाद नहाते धोते हैं, नहाना धोना उसको कहते हैं एवोल्यूशन, यानी अपने आप को साफ करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, उसको आप कहते हैं एवोल्यूशन। इसका सिनोनियम्स वॉशिंग, क्लीनाइजिंग, प्यूरिफिकेशन, डीकॉन्टिमिनेशन, कॉन्टिमिनेट होता गंदा और डीकॉन्टिमिनेट होता उसको बेहतर करना, अच्छा करना। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आ जाएगा कॉन्टिमिनेशन, पोल्यूशन और डिफाइलमेंट, यानी यहाँ पे किसी को गंदा करना, पोल्यूट करना और उसको और
मीन डर्टी करना, और इसके बाद यहाँ पे आप डर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डर्टी, तो ये भी आपका इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। उसके बाद एबनिगेशन, एबनिगेशन कई बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है और इसीलिए इसको आप ज़रूर प्लस स्टार मार कर दें क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब होता किसी को हम जब अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करना, किसी को यहाँ पे डिनाई कर देना, किसी को स्वीकार नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, मीन किसी को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको आप एबनिगेशन कहते हैं। जैसे इसका आएगा डिनाई या डिनाइल भी आ सकता है। रिनन्सिएशन, किसी को आप त्याग कर देते हैं उसको आप यानी एबनिगेट कर देते हैं। उसके बाद एबडिकेट, ये भी पढ़ा हमने। रिफ्यूज़ल, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद एबजूर, एबजूर का भी मतलब यही होता है, ये भी हमने अभी पढ़ा। तो इन दूसरों एक दूसरों के साथ भी इनको लिंक करते चले इसका मतलब होता है। उसके बाद एक और होता है यहाँ पे रेलिनक्विश, क्या होता है रेलिनक्विश का भी मतलब होता है त्याग कर देना, और सरेंडर का मतलब भी होता है त्याग कर देना। उसके बाद इसके एंटोनियम्स की बात करें तो एक्सेप्टेंस या फिर एडहीर, ADHEER, एडहीर का मतलब भी होता है जुड़े रहना, इन्हें एक्सेप्ट कर देना। इस तरीके से आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एंटोनियम्स पूछा गया था, एबजूर नहीं एडजूर, ये भी कभी कभी आपके लिए कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ मैं आपको यहीं पर। एडजूर क्या मतलब क्या होता है, एडजूर का मतलब होता है क्लेम होता ना, एक एडजूर का मतलब होता किसी चीज़ को हम क्या करते हैं मीन्स जब क्लेम करते हैं उसको हम एडजूर कहते हैं, और इसका यहाँ पे क्लेम का उल्टा क्या आएगा डिस्क्लेम। तो ये यहाँ पे 2018-19 में देखा था आई थिंक सो कि एक यानी यहाँ पे जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था एडजूर, एबजूर नहीं एडजूर। उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल की बात करें, एबनॉर्मल आप सभी को पता जो नॉर्मल ना हो, जो नेचुरल ना हो, अननेचुरल हो, इसका सिनोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो, एनिमलस हो, यानी एक थोड़ा उस तरीके से ना हो। उसके बाद एंटोनियम्स इसकी बात करें नॉर्मल कॉमन, ये सभी आपको आता भी है। उसके बाद एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता किसी को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, मीन्स यहाँ पे नेगेट कर देना, नेगेट भी हमने देखा भी, यानी कैंसिल कर देना, नलीफाई कर देना। उसके बाद एनूल कर देना, एनूल का मतलब भी होता किसी को डिसअलाउ या डिसअप्रूव करना, ये भी आप यहाँ पे एबॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। इनवैलिडेट, वैलिडेट होता है यानी यहाँ पे क्रिएट करना, और एबॉलिश का मतलब होता इनवैलिडेट। निगेट अभी अभी देखा हमने यहाँ पे, एबनिगेट देखा, और इसी तरीके से यहाँ पे निगेट का मतलब होता किसी को जब बेअसर कर देते, जिसका इफेक्ट किसी और पे ना पड़े, इसका मतलब है नलीफाई कर देना किसी चीज़ को, यानी सेट कर देना। उसके बाद यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें तो किसी को एस्टैब्लिश कर देना, किसी को सेटअप कर देना, किसी को ढूंढ लेना। उसके बाद इसके आगे भी आपके रिटेन जैसे आपका आ गया, क्रिएट यहाँ पे इसका आपको एंटोनियम्स देखने को मिल सकता है। यानी निगेट यहाँ पे फिर से इसके ऊपर डाल दूँ जो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, निगेट का मतलब होता किसी को निष्फल कर देना जिससे आपको कोई बेनिफिट ना पहुंचे, किसी को बेअसर कर देना, उसको मतलब ये होता है। उसके बाद है एबॉर्ट, देखो यहाँ पे आपने एबॉर्ट, एबॉर्ट से आपने एबॉर्शन के बारे में सुना होगा। एबॉर्शन इसका मतलब ये होता कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ की डेवलपमेंट को स्टॉप कर देना, रोक देना। सपोज करो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का यहाँ पे एबॉर्शन किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उस बेबी की डेवलपमेंट की या बच्चे की डेवलपमेंट की है उसको स्टॉप कर देना, रोक देना, एबॉर्ट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, यानी टर्मिनेट कर देना, या उसकी डेवलपमेंट या किसी को डिसकंटिन्यू कर देना। या इसकी जगह पे आप हॉल्ट भी लिख सकते हैं, HALT, हॉल्ट, इसका भी मतलब होता है डिसकंटिन्यू कर देना। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे दो तीन बच्चे हो गए उसके बाद फीमेल ऑफ्टन गो फॉर दैट, यानी मैं आपको किसी की भावनाओं को यहाँ पे ठेस नहीं पहुँचा रहा, सिर्फ मेरा मतलब यहाँ पे आपको समझाना है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है यहाँ पे कि किसी को रोक देना। उसके बाद इसका आपको एंटोनियम्स का मतलब होता है कंटिन्यू और कंप्लीट। इसीलिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आप ज़रूर इसको सिर्फ पढ़ने के तरीके से ही लें क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पे आपको समझाना है। और इसके बाद अबॉर्ट का यहाँ पे एंटोनियम्स कंटिन्यू कंप्लीट के बाद एक सक्सीड या अकम्प्लिश भी यहाँ पे इसका आपका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है अबाउंड, अबाउंड का मतलब क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबाउंड, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी बड़े नंबर्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होना, एग्जिस्ट करना, उसको कहते हैं अबाउंड। जैसे सपोज करो यू आर अबाउंडिंग टुवर्ड्स योर कैरियर, आप अपने कैरियर की ओर बढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। फ्लॉरिश का मतलब होता उन्नति करना, आगे बढ़ना, स्वेल, फूलना, ये भी इसका मतलब, टीम का मतलब भी होता है, प्लेंटीफुल, एक नहीं, आई हैव ए प्लेंटीफुल नॉलेज, आई हैव ए प्लेंटीफुल ऑप्शन, इस तरीके से। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ इंक्रीज हो जाती है क्विकली, जैसे नंबर्स के अंदर कोई चीज़ जब इंक्रीज हो जाए क्विकली उसको आप प्रोलीफरेट कहते हैं, प्रोलीफरेट कहते हैं। और इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा डेफिशिएंट, डेस्ट्यूट का मतलब होता है असहाय, जिसकी कोई सहायता ना कर देता करता हो, डेस्ट्यूट, वांट, और यहाँ पे आपको वांट का मतलब क्या है, अगर आप किसी की वांट है तो इसका मतलब आपके पास वो चीज़ है ही नहीं। उसके बाद स्केर्स, स्केर्स का मतलब होता है कम होना। उसके बाद दो एक और इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं इसके, एक है आपका स्केंटी, SCANTY, स्केंटी का मतलब भी होता है कम होना। और उसके बाद है मीगर,
MEA ये भी इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेंड में देख के आपको याद रखना कि इसका मतलब मीगर का मतलब भी क्या होता है, कम होना। ऐसे एग्जांपल आपको देता हूँ मैं यहाँ पे, अबाउंड की एक एग्जांपल दें, एनिमल्स अबाउंड इन द फॉरेस्ट, एनिमल यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, फ्लॉरिश है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नंबर्स में यहाँ पे हैं। जैसे द लेक अबाउंड्स विद फिश, यानी फिश जो है, यानी पूरी लेक झील जो है मछलियों से भरी है, अबाउंड है यानी पूरी फुल है। इस तरीके से यहाँ पे इस अबाउंड को आप समझ सकते हैं। उसके बाद है एबॉर्ट्यू, एबॉर्ट्यू या एबॉर्ट्यू भी इसको कहते हैं। एबॉर्ट्यू का मतलब होता है कि जब कोई चीज यानी कंप्लीटली सक्सेसफुल ना हो, यानी यूजलेस हो जाती है, या कोई चीज फेल हो जाए, वर्थलेस हो जाए, इसके लिए आप एबॉर्ट्यू का यूज करते हैं। एबॉर्ट्यू का मतलब होता है यूजलेस, एक बार फिर से लिख ले, और वर्थलेस, ये दो इंपॉर्टेंट है, यूजलेस और यहाँ पे वर्थलेस, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके सिनोनियम से ये भी आप लिखें। वैन बेकार होना, अनप्रोडक्टिव एंड फेल्ड, या किसी चीज़ में जब आपको सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका एंटोनियम्स आपको मिलेगा प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और फ्रूटफुल। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको इसको वॉच करना है और आपको PDF इसका प्रिंट आउट करके इसको रिवाइज करना है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से क्या कर देना, मीन्स डिप्रीव ऑफ इफेक्टिव और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, यानी इसको खत्म कर देना, यानी किसी चीज़ को किसी से एब्रोगेट कर देना, यानी वंचित कर देना, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उसे कैंसिल कर देना, उसको मीन्स पूरे के तरीके से क्या कर देना, अबॉलिश कर देना। यानी जैसे रिपील हो गया, रिपील का मतलब आई विल रिपील द ट्रूथ, यानी किसी को खत्म कर देना, सच आप छुपाया था उस सच को आप खत्म करके रिपील कर देगी, अबॉलिश कर देना, रिवोक कर देना, रिवोक का मतलब होता है दोबारा से उसको रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना। उसके बाद है रिसेंट का मतलब ही होता है। अब यहाँ पे एक और एक वर्ड होता है जिसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, RE, मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ, RE, रेपुडेट। रेपुडेट का मतलब भी होता किसी को रिपील कर देना, किसी को सामने लाना, किसी को ख़त्म कर देना, कोई आपका रास्ता उसको रेपुडेट कर दिया, एबॉलिश कर दिया, रिवोक कर दिया, इस तरीके से। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा इंट्रोड्यूस और इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस और यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक और है एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है मीन्स एकदम, एब्रप्ट का मतलब होता है सडन या अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं कर, एकदम से ये से कैसे हो गया, एब्रप्ट चेंजिंग हो जाती है। सपोज करो आपने प्लान करा था कि आप यहाँ पे कोर्स को इस तरीके से लीड करोगे, लेकिन आपको एब्रप्ट प्लानिंग देखने को मिली आपके जो फैकल्टी थी उसके द्वारा से, यानी एक हरी में जल्दी में जो प्लानिंग चेंज करी जाती है, सडन, हैस्टी, या आपको अंदेशा ना हो, एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदेशा, गैस लगाना, अनएंटिसिपेटेड, ब्लंट, कर्ट और ब्रीफ। यहाँ पे कर्ट से एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए कर्ट शायद ही नया हो, इसका मतलब होता काफ़ी शॉर्ट और पोलाइट, काफ़ी शॉर्ट, जैसे रिप्लाई देना या कर्ट, जैसे इट्स कर्ट रिप्लाई टू यू, ये आपके लिए काफ़ी शॉर्ट और पोलाइट में। जैसे एग्जाम्पल दूँ, मैं एक लड़की से बात कर रहा था एंड शी गेव मी कर्ट रिप्लाई, उसने काफ़ी पोलाइट और शॉर्ट रिप्लाई दिया मेरे को, एंड मेरे फ़ोन को उसने स्लैम डाउन कर दिया, फेंक दिया, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा स्मूथ, ग्रेजुअल, कॉटिशियस और यहाँ पे पोलाइट, यहाँ पे इसका आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट का मतलब होता काफ़ी ज़्यादा, आई हैव एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कंपनीज, इसका मतलब होता बहुत सारी, कंप्लीट, इंटायर, थोरो, या इसकी जगह पे आप एब्सोल्यूट का मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं, फुल से, इसका मतलब होता फुल। और इसका आप एंटोनियम्स की बात करें तो इसका मतलब होता पार्शियल, पूरी तरीके से नहीं, कम, क्वालिफाइड, मैं समझ कंप्लीट नहीं बट क्वालिफाइड, अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई हो जाएगा। फ्लेक्सिबल भी इसका यहाँ पे एंटोनियम बन सकता है, फ्लेक्सिबल। उसके बाद एक और बन सकता है यहाँ पे लिमिटेड, ये भी आप इसकी जगह पे यूज़ करें तो इसका यहाँ पे लिमिटेड, ये सभी वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको PDF की जब स्लाइड्स दी जाएंगी उसमें आपको ऐड करके दूंगा, इसलिए आपको वरी नहीं होना है, जस्ट फोकस ऑन योर idioms एंड, यानी यहाँ पे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। उसके बाद यहाँ पे है एब्सॉल्व्ड, एब्सॉल्व्ड का मतलब होता किसी चीज़ को जब आप ऑफिशियली किसी गिल्ट से, ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी चीज़ को किसी से आप किसी को दोष मुक्त कर देते हैं, किसी को उस कॉज के लिए उससे उसको क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं उस कॉज से, उसको कहते हैं एब्सॉल्व्ड। जैसे टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को किसी के अपराध से उसको दोष मुक्त कर देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको दोष मुक्त कर देना, उसको एब्सॉल्व्ड कहते हैं। पार्डन का मतलब होता माफ़ कर देना। एक्जोनरेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्जोनरेट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको याद रखना है, यानी जब हम किसी को ऑफिशियली किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना ठहराते, यानी उसको उस चीज़ से, उसके जो रिस्पॉन्सिबल था उसको उससे मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त कर देते हैं, यानी अब वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको कहते हैं एक्जोनरेट। यानी किसी को जब ऑफिशियली किसी कॉज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल जो था उसको अब रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, उसको एक्जोनरेट कहते हैं। ऑफिशियली किसी को मीन्स उस अपराध से दोष मुक्त कर देना, अपराध मुक्त कर देना, अपराध मुक्त कर देना, उसको एक्जोनरेट कहते हैं। फॉरगिव का मतलब आपको पता है,
एक्विट का भी मतलब यही होता है दोष मुक्त कर देना किसी को, और यहाँ पे कॉन्डोन का भी मतलब यही होता है कि किसी को किसी ब्लेम से क्लियर कर देना या किसी सस्पेक्शन से उसको क्लियर कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे आएगा, उसको कहते हैं वेंडिकेट। वेंडिकेट का भी मतलब होता है किसी को ब्लेम से, उसके ब्लेम से उसको क्लियर कर देना, यानी उसको उससे यहाँ पे उसको ऑफिशियली किसी को ब्लेम हटा देना किसी के ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे इसका एंटोनियम्स आएगा ब्लेम, किसी को कंडम बुरा भला कहना, उसके बाद पनिश करना। तो ये आपको उसके यहाँ पे एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे। एब्जॉर्बिंग की बात करें तो यहाँ पे पूरे तरीके से किसी इंटरेस्ट को होल्ड करना, पूरा अटेंशन देना, यू आर एब्जॉर्ब्ड इन योर स्टडी, आप पूरे तरीके से अपनी स्टडी में डूबे हुए हैं, एब्जॉर्ब्ड है। इसका मतलब होता सिनोनियम्स एनग्रोसिंग। एनग्रोसिंग का मतलब होता जैसे बुक के अंदर कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता ना, आप करो दिस इज द मोस्ट इनग्रोसिंग पार्ट्स ऑफ द बुक, यानी इस बुक का सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार इंटरेस्टिंग या अटेंटिव जो पोर्शन है वो यही है। उसके बाद फैसिनेटिंग, जो आपको लुभाता हो। इनथ्रालिंग का मतलब होता किसी चीज़ से, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं मंत्र मुग्धकारी, यानी जो आपको काफ़ी अटेंशन आपका होल्ड कर देता है उसको इनथ्रालिंग कहते हैं। इसकी जगह पे आप कैप्टिवेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कैप्टिवेटिंग का भी मतलब होता होल्डिंग द अटेंशन कम्प्लीटली, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बोरिंग की बात करें या फिर अनइंटरेस्टिंग की बात करें, जिसके ये एंटोनियम्स आ जाएंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मीन्स लॉजिकल होना, काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होना, यानी जो सेंसिबल और लॉजिकल दोनों होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, डेफिनेट या फैक्चुअल कहते हैं। यानी एब्सर्ड, यानी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग आइडियल ना हो, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यहाँ पे ओनली एज एन आइडिया हो बट वो फिजिकल में एक्चुअली वहाँ पे ना होता हो। आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे आपके लिए आइडियल सिर्फ यहाँ पे हो बट वो फिजिकल उपलब्ध ना हो, जैसे थ्योरेटिकल में हो, यानी यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकली वो हो ही ना बट ऐसे आइडिया है आपके पास, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। उसके बाद इसके हाइपोथेटिकल, यानी सिर्फ आपके पास आइडिया ही है, हाइपोथेटिकल है, फिजिकल में तो कुछ है ही नहीं। यानी एक एग्जाम्पल देके आपको मैं इसको समझाना चाहूँगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता जैसे मैं कहूँगा इट्स हार्ड टू इमेजिन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक इटर्निटी। यानी इटर्निटी की तरीके से, इटर्निटी एक मीन्स यहाँ पे सच्चाई या इटर्निटी एक सही पूर्णता, यानी ये काफ़ी क्या है मीन्स ये एक इटर्नल आइडिया है, एक ये एक क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो फिजिकली आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहाँ पे इटर्नल होता सही रास्ता वाला इंसान, या एक काफ़ी स्मूथ, यहाँ पे आपको जब किसी की, यानी यहाँ पे आप सपोज करो इनकारिनेशन की बात करें, साइट मिलती है, दर्शन होते हैं, तो इटर्नल जैसे सोल होती है, इटर्नल पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सही, स्मूथ, काफ़ी फ्लेक्सिबल, उसको कहते हैं इंटरनल। इस प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। इट्स हार्ड टू इमेजिन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नाउडेज इन दिस इंटरनेटी, लाइक इंटरनेटी के तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी आपको यहाँ पे एकेडमिक या स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जैसे सट्टेबाजी होता है ना, स्पेकुलेशन होती है उस तरीके से। इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने, कंक्रीट काफ़ी मजबूत, डेफिनाइट फैक्चुअल और यह एक्चुअल होता है, उसको आप यहाँ पे इसके एंटोनियम्स देख सकते हैं। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा, बहुत हम कहते हैं दिस इज द एब्सर्ड लैंग्वेज, काफ़ी गंदी, काफ़ी बुरी अपद्र भाषा है ये, इस तरीके से बात करते। फॉलिश, जो एक लॉजिकल ना हो, जो सेंस में ना हो, सेंसिबल ना हो। रिडिकुलस, काफ़ी बुरी, इट्स रिडिकुलस टॉक, इट्स रिडिकुलस डिस्कशन, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, इट्स रिडिकुलस डिस्कशन, इस तरीके से जब आप बात करते हैं। जैसे आप फॉलिश की बात करें, आइडियोटिक की बात करें, सिली, इनसेन का मतलब होता पागलपन, या फिर एक सेंस के तरीके से नॉन सेंसिकल जब हो तब आप इसको एब्सर्ड कहते हैं, और इसके ये सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो लॉजिकल, रीजनेबल या रेशनल की बात करें तो इसको आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एबंडेंट आपको देखने को मिलेगा। एबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एम्पल अमाउंट ऑफ, आई हैव एन एबंडेंट ऑप्शन, आई हैव एन एबंडेंट, यानी क्या बोलोगे बुक्स, यानी काफ़ी ज़्यादा एम्पल, यानी लार्ज क्वान्टिटी के पास आपके पास होना, अवेलेबल होना, एग्जिस्ट करना, यानी जितना आप चाहते हो उससे भी ज़्यादा, उसको आप एबंडेंट कहते हैं। यानी रिक्वायरमेंट से जब चीज़ ज़्यादा होती है उसको एबंडेंट कहा जाता है। जेनरस, हैवी, बॉन्टीफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, प्लेंटीफुल, ये इसके सिनोनियम्स आ गए। एंटोनियम्स की बात करें तो रेयर, टाइट, स्केर्स और स्पार्स, स्पार्स का मतलब भी यहाँ पे कम होता है। अब देखो यहाँ पे मैं उन्हीं वर्ड्स मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करूँगा, जो अभी तक नहीं आए, अभी से पहले आ गए तो उसको आप समझें और उसको आप ध्यान रखें। मैं एक बार सिर्फ इशारा आपको सिग्नल दूंगा, डेफिनेटली यू विल हैव टू गेट, और आप उसको इजीली समझ जाएंगे, तभी आपको ये रिटेन भी रहेंगे आपके माइंड में। एब्यूज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वर्ड्स एब्यूज़ का मतलब होता किसी को गलत कहना, मिसयूज़ करना, गाली गलौज करना, किसी का तिरस्कार करना। जैसे स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता किसी को मीन्स अनवर्दी कहना, किसी को तिरस्कार करना, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इल ट्रीट, किसी को बुरे
तरीके से किसी को ट्रीट करना, एक्सप्लॉइट करना, परवर्ट कर देना, मिसयूज कर देना, उसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा कंप्लीमेंट, फ्लैटर, एडुलेट, केयर, लुक आफ्टर, प्रेज। ये सभी, एडुलेट का मतलब होता किसी की तारीफ करना, जैसे उसने मेरी न्यूज़ के अंदर तारीफ की, ही वॉज, या उसकी न्यूज़ में तारीफ हुई, ही वॉज एडुलेटेड इन द न्यूज़, उस लड़के की, उस या विराट कोहली की न्यूज़ के अंदर प्रशंसा हुई, विराट कोहली वॉज एडुलेटेड इन द न्यूज़। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने ताकि आप वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, अपने वर्ड मीनिंग को भी न्यूज़पेपर पढ़ते, या ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ही ना लें इसको। उसके बाद यहाँ पे है एब्सिमल। एब्सिमल का मतलब होता काफ़ी ज़्यादा बुरा, काफ़ी ज़्यादा बुरा या काफ़ी ज़्यादा पोर, उसको कहते हैं एब्सिमल, वेरी बैड, और किसी एक बहुत ही नीचे क्वालिटी का हो, लो क्वालिटी का जब हो उसको आप एब्सिमल कहते हैं। ये पर्सन के लिए भी और यहाँ पे चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बॉटमलेस का मतलब होता काफ़ी नीचे, ड्रेडफुल का मतलब होता काफ़ी भयानक, काफ़ी लो, ऑफुल का भी मतलब, देखो यहाँ पे इस ऑफुल की कहानी सुनाता हूँ। एक घटना घटी थी, ये घटना घटी थी कि ये जेके पी एस ए एग्ज़ाम के अंदर ऑफुल की स्पेलिंग करेक्शन पूछी थी। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे थे ऑफुल, एफुल, एंड कई स्टूडेंट्स से ज़्यादा से ये ऑफुल की मिस्टेक्स की क्या हो गई थी और सही नहीं, इसीलिए हर एक वर्ड्स की स्पेलिंग के ऊपर भी ज़्यादा फोकस बनाए रखें। उसका मतलब डीप या एक्सट्रीम, ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं, यानी काफ़ी कम। और इसका एंटोनियम्स आपको एक ही देखने को मिलेगा, एंटोनियम्स, वो है सुपर्ब, यानी सुपर्ब या गुड क्वालिटी, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है, यानी एक हाई ओपिनियन को जब आप एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हाई ओपिनियन रखते हैं, किसी के लिए आप हाई ओपिनियन रखते हैं, किसी की आप तारीफ करते हैं, उसको एक्लेम करते हैं। जैसे आई हैव एक्लेम्ड इंडियन गवर्नमेंट, यानी किसी को आप प्रेज करते, तारीफ करते, किसी के लिए आप अप्लॉड, तारीफ की पुल बांधते हैं। एकोलेड, ए डबल सी ओ एल ए डी, एकोलेड का भी मतलब होता किसी की तारीफ करना। उसके बाद यहाँ पे चीयर करते हो किसी के लिए, तब जब आप उसकी तारीफ करते हो, किसी को कमेंट करते हो, किसी की तारीफ प्रशंसा करते हो, तब क्लेमेर, यानी क्लेमेर का भी मतलब होता तारीफ करना, प्रशंसा। ओवेशन का मतलब होता स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं आप, बहुत उठ के किसी की तारीफ करते, तालियां करते मारते हैं उसके लिए। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा क्रिटिसाइज, कॉन्डमन, और उसके बाद ऑब्सक्यूर भी यहाँ पे इसका आ सकता है, या किसी को आप ब्लेम लगाते हैं, ब्लेम भी इसका यहाँ पे आपको क्या आएगा, इसका एंटोनियम्स आएगा। उसके बाद एक दूसरा वर्ड होता है सेंस्योर, ये पूछा जाता है आप अक्सर ऑप्शन में। सेंस्योर का भी मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी को आरोप लगाना, यानी कंडम करना, या फिर आप किसी की जब निंदा करते, ह्यूमिलेट करते किसी को, ह्यूमिलेशन या ह्यूमिलेट, ये वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप दूर ध्यान रखें। एक्सलेट का मतलब क्या होता है, किसी को मीन्स बढ़ावा देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को स्पीड अप करना। एक्सलेट, हेस्टन, हरी या क्विकन, हस्टल, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब देखो होता है किसी को या किसी चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से करना, या उसको क्विकली करवाना, या किसी से काम क्विकली करवाना, एक्सपेडाइट करवाते हैं। एक्सपेडाइट स्पीड ऑफ वर्कर्स, गो एंड एक्सपेडाइट स्पीड ऑफ वर्कर्स, जाओ और वर्कर्स के काम करने की जो क्षमता है, स्पीड है, उसको इनरिच करो, बढ़ा दो। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा डीसेलरेट, डी एक्सेलरेट भी होता है और डिसेलरेट भी होता है, ये भी आप याद रखें, कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डिसेलरेट का मतलब होता कम करना, रिटार्ड का मतलब स्लो डाउन या डिले कर देना, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेट का एंटोनियम्स आपको बन जाते हैं। अब यहाँ पे अकम्प्लिश, कई बार पूछा गया है अकम्प्लिश और इस प्रकार के ही वर्ड्स पूछे जाते हैं। अकम्प्लिश का मतलब होता कंप्लीट करना, जो आपको टारगेट दिया, जैसे आपको ये वॉच करनी वीडियो, आप जब इसको फाइनल फिनिश करेंगे तो अकम्प्लिश कर देंगे आप इस वीडियो को, आप बोलोगे सर आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस लेक्चर, मैंने कंप्लीट करा, यानी आपने टारगेट अचीव करा, अटेन करा, गेन करा, रीच हो गया, पहुंच गए, रियलाइज हुआ, फुलफिल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कहानी आपको अच्छी मिलेगी, कई बार फुलफिल की स्पेलिंग आपको पूछी जाए, ये ऐसे पूछे जाते हैं जो पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, यानी इसके अंदर मिस्टेक्स हो सकती है। फुलफिल का मतलब एफ यू एल और एफ आई एल, फुलफिल, ये भी सही होती है, और दूसरी जो आपको देखने को मिलती है फुल, एफ यू एल एफ आई डबल एल, वो भी सही होती है, दोनों में आप कन्फ्यूजन ना करें। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा फेल, फॉरसेक, किसी को छोड़ देना, गिव अप कर देना, या लूज, ये आपको इसके आपके एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कोई डील कर देना, कोई एग्रीमेंट साइन कर देना, कोई यहाँ पे पैक्ट कर देना। आपने इन्वायरमेंट के अंदर ट्रीटी सुना होगा, पैक्ट सुने होंगे, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कोई सेटलमेंट हुई थी, यानी एग्रीमेंट को एकॉर्ड कहते हैं। एग्रीमेंट आ गया, हारमोनी आ गई, एक्ट किस लिए होते, ताकि अमन चैन सुकून बना रहे, हारमोनी के लिए। ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी आपने देखा होगा, उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट देखा होगा, मीन यहाँ पे आपने 1920 में सेटलमेंट आई थी, उसके बाद यहाँ पे डील हुई, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट की एक डील हुई, उसका एंटोनियम्स क्या आएगा आपको देखने को मिलेगा, डिस्कॉर्ड,
ये डिस्कॉर्ड कर देना, कोई एग्रीमेंट नहीं है उसको डिस्कॉर्ड कर देना, विद होल्ड कर देना, अपने पास रखना, कोई भी एक और डील नहीं करना, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं डिसएग्रीमेंट, इन्हें रिमूव कर देना, किसी को कॉन्ट्रास्ट कर देना, CONTRAST, ये भी इसका कम कर देना, इन्हें डील नहीं करना, कॉन्ट्रास्ट का भी मतलब ये आएगा। उसके बाद है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को उसके लिए ठहराना, जैसे हम बोलते ना यू आर अकाउंटेबल फॉर माई फेलियर। सपोज करो आपको कोई तंग कर रहा है, एंड ए भाई साहब अगर बी सर को तंग कर रहे हैं तो बी विल से टू ए यू आर अकाउंटेबल फॉर माई फेलियर, यानी आप मेरी फेलियर के रिस्पॉन्सिबल हो। अकाउंटेबल यानी किसी के आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, लायबल, या किसी के जब आप आरोप लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद एक और वर्ड होता है जिसका यहाँ पे अकाउंटेबल, कल्पेबल का भी मतलब होता है किसी को ठहराना, आंसरेबल। यानी यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल, इनोसेंट, ब्लेमलेस, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, या अनट्रस्टवर्दी भी इसका यूज होता है। उसके बाद है एक्रियू का मतलब क्या होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा वृद्ध होना। वृद्ध का मतलब होता है मीन्स धीरे 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 बूढ़ा हो जाना या काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। एक्रियू का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक क्या होना, इंक्रीज होते रहना, बढ़ते रहना, वृद्ध होना, काफ़ी लंबा। बात करें यहाँ पे एक्युमुलेट, कलेक्ट, रिजल्ट, राइज, इंक्रीज, अमास। अमास का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, या इसकी जगह पे आप एक और वर्ड कर सकते हैं गैदर। एक्रियू की जगह पे आप गैदर का यूज़ कर सकते हैं, बिल्डअप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आप कुछ वर्ड्स यहाँ पे इसका जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके एंटोनियम्स की बात करें तो डिस्पर्स, फैला हुआ, स्कैटर भी फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूट, बंटा, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ ये। और ये इसी की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स है, फैला हुआ, ये एक्रियू है। इस तरीके से आप इसको समझें। उसके बाद डिमिनिश, डिवाइड, डिक्रीज। उसके बाद एक्यूरेसी, आप सभी को पता है एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस कितनी है आपकी, एग्जैक्टनेस। आप एग्जाम्स के अंदर जाते हैं, आप 100 क्वेश्चन करते हैं और 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 95 हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आपकी 90% एक्यूरेसी है, आपकी 95% एक्यूरेसी है या 90% एक्यूरेसी है। इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है एक क्वालिटी, एक सच्चाई होने की, ट्रूथ की एक क्वालिटी होना, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। यानी या इसको वेरासिटी का मतलब ये भी होता है सच बोलने की एक क्या होती है, एक हैबिट होती है, आदत होती है। प्रिसीजन, प्रिसीजन का भी मतलब होता है काफ़ी, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको मेजर करने की उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन है। या राइटनेस का मतलब होता सही। अगर बात करें या मिटिकुलस का भी मतलब होता कोई ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहता है। मिटिकुलस का मतलब होता केयरफुल या वेरी केयरफुल, जो ज़्यादा केयरफुल से भी ज़्यादा ध्यान रखता हो, यानी वेरी केयरफुल, उसको मिटिकुलस कहते हैं। नाइस, ये भी इसका एक यहाँ पे सिनोनियम आएगा। अब यहाँ पे इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इनएक्यूरेसी आएगा, एरर आएगा, एनोमली आएगा, केयरलेस और इनएग्जैक्टनेस, इसकी यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिले। एक्यूज का मतलब होता किसी को आरोप लगाना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, उसको आप एक्यूज कहते हैं। अब इसके सिनोनियम्स की बात करें, एरागिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं एरागिन का मतलब क्या है। यानी किसी को जब कोर्ट में हम बुलाते ना, यानी किसी को, यानी सपोज को इंग्लिश में इसको बताऊं तो कैसे, कॉल बिफोर ए कोर्ट टू आंसर एन इंडिसमेंट। इंडिसमेंट का मतलब आपने सुना होगा, इंडिक्ट यहाँ पे है ना, ये वर्ड पहले समझ लें। इसका मतलब होता किसी को जब हम किसी क्राइम के लिए फॉर्मली ऑफिशियली चार्ज करते हैं उसको कहते हैं इंडिसिट, और उस प्रोसेस को इंडिसमेंट कहते हैं। जैसे एरागिन का मतलब होता किसी को जब हम कोर्ट में बुलाते हैं, यानी उस किसी, यानी जो केस था या किसी क्राइम के लिए उसको जब कोर्ट में उसका आंसर देना पड़ता है उसको कहते हैं एरागिन। यानी जब कोर्ट किसी को जो बुलाता है किसी कॉज के लिए आंसर देने के लिए, एरागिन, यानी चार्ज कर देना, डिनाउंस, त्याग देना, इनक्रिमिनेट, एलीज या कल्प्रिट, जो दोषी होता है, इस तरीके से। अब एब्सॉल्व भी आपने पढ़ा, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देते हैं। एक्जोनरेट भी इसी में आपने पढ़ा था, ऑफिशियली दोष मुक्त कर देना, डिफेंड कर देना या क्लियर कर देना। तो ये सभी के सभी यहाँ पर इसके एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक्जोनरेट ऑप्शनली जब किसी को हम किसी चीज़ के लिए यानी मुक्त कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकस्टम्ड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज़ की हम रेगुलर हैबिट में हो जाते हैं, उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, उसको आप अकस्टम्ड कहते हैं। यानी हैबिचुएटेड या हैबिचुअल, कस्टमरी, यानी जो कस्टम चलता आ रहा है एनसेस्टर से लेके अभी भी चलेगा, आने वाली जो यहाँ पे जनरेशन होंगी वो भी चलाएंगी, वो कस्टम बन जाता है, ट्रेडिशनल वे आ जाती है। वॉन्टेड का मतलब होता जो यूजुअल हैबिट हो जाती है, एक हैबिचुअल यूजुअल हैबिट हो जाती है, या यूजुअल भी इसकी जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो अनयूजुअल इसका यहाँ पे आएगा, आप ज़रूर इसकी जगह पे यूजुअल यूज़ कर दें, क्योंकि ऐसे प्रकार के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अनअकस्टम्ड और अनफेमिलियर यहाँ पे इसके आपका एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है एक्नॉलेज,
यानी यहाँ पे आपको एक्नॉलेज का मतलब है कन्फर्मेशन करना, यानी टू एक्सेप्ट और एडमिट समथिंग जो एग्जिस्ट करता है या जो सच में है उसको जब आप एक्नॉलेजमेंट करते हैं, यानी कन्फेस करते हैं, कबूलते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। अगर भाई साहब आप यानी डियर स्टूडेंट या डियर एस्पायरेंट्स, थोड़ी सी मैं इसीलिए फनी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि आप अपना जो ध्यान है पूरे तरीके से फोकस रखें, मज़ा भी आए, रिफ्रेश भी रहते रहें। एक्नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट दो वर्ड होते हैं। एक्नॉलेज का मतलब अगर आप बात करें तो आपने रेसलर एक देखा होगा जिसका नाम है रोमन रेन। रोमन रेन हमेशा आजकल यानी वो क्या है, टॉप ऑफ द टेबल है, इन सबसे ऊपर है, तो वो हमेशा एक्नॉलेज मी का डायलॉग मारते हैं, यानी मेरे को एक्सेप्ट करो, मेरे को कबूलो, मेरे को एडमिट करो कि आई एम द बॉस ऑफ दिस रिंग। तो इस तरीके से आप एक्नॉलेज का मतलब होता है जो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करना। कन्फर्मेशन, एक्सेप्टेंस, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का भी मतलब होता है कन्फेंस, कन्फेस करना। एवो का भी मतलब होता है एक्सेप्ट या एडमिट, कन्फेस। ये सभी के सभी वर्ड्स यहाँ पे सिनोनियम्स हैं एक्नॉलेज के या एक्नॉलेजमेंट के। एंटोनियम्स की बात करें, किसी को जब डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये सभी यहाँ पे इसके क्या आ जाएंगे, आपको एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, उसको अवेयर करना अबाउट समथिंग या समबडी। तो एक्वेंट, टू मेक वन अवेयर ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में जागरूक करना, अवेयर कर देना, उससे इंट्रोड्यूस करवाना, तभी वो जाके अवेयर हो सकता है। फेमरलाइज कर देना, उसको नहीं पता था। सपोज करो आप बोलोगे सर स्ट्रीट में नहीं जाना है, स्ट्रीट में इसलिए नहीं जाना, देयर आर स्ट्रीट डॉग्स, वो बहुत खतरनाक, दे आर वेरी डेंजरस, सो यू आर फेमरलाइज मी, यू आर फेमरलाइजिंग मी विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट। इन्फॉर्म कर देना, नोटिफाई कर देना, अप्राइज कर देना, तो ये सभी यहाँ पे एक्वेंट के सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो अनफेमिलर, इग्नोरेंट, यानी यहाँ पे इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्वायर, एक्वायर का मतलब आप सभी को पता है, किसी को चीज़ को हासिल करना, गेन करना, गेट। प्रोक्योर का भी मतलब गेन होता है, ऑब्टेन करना, सिक्योर करना, आई हैव गॉट सिक्योर्ड गुड मार्क्स, इट मीन्स यू हैव एक्वायर्ड, विन करना, अचीव या एकम्प्लिश, ये सभी के सभी एक्वायर के सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो फॉरफिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है। फॉरफिट का मतलब होता है यानी किसी गलती के जब फलस्वरूप में आपको कोई रिजल्ट मिलता है उसको आप यहाँ पर फॉरफिट कहते हैं, यानी कुछ गवा देते हैं। जैसे सपोज करो कि अपनी गलती मिस्टेक्स के कारण आप कुछ जब चीज़ को लूज़ कर देते हैं उसको फॉरफिट कहते हैं। फॉरगो का मतलब होता है गो विदाउट, किसी चीज़ को पाने के बिना ही आपको चला गया, जैसे आप क्लास में आए गए थे, यू फॉरगो बिफोर द क्लास, बिना कुछ लिए ही चला गया। रेलिनक्विश, त्याग देना, एबंडन भी त्यागना होता है। रेलिनक्विश का मतलब आई रेलिनक्विश्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब, मैंने वहाँ से संन्यास ले लिया, त्याग दिया, लूज कर देना, इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैं आपको एक फोर्टिफाइड इसलिए ज़रूरी है इसलिए समझना, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो एग्जांपल इस प्रकार है कि जैसे मेरा आपको पता काफ़ी एंग्री बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ माय एंग्री मूड और बिहेवियर ही फोर्टिफाइड द राइट पर्सन, बिकॉज ऑफ यानी गलती मेरे मूड के कारण उसने मीन्स एक आई फोर्टिफाइड या ही फोर्टिफाइड आई, यहाँ पे ही नहीं, बिकॉज ऑफ ही लिखा हिज एंग्री बिहेवियर ही फोर्टिफाइड द राइट पर्सन, उसने एक अच्छा इंसान गवा दिया, मीन्स कुछ गवा देना, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी किसी चीज़ को जब कॉज कर देते हैं, कॉज टू ऑपरेट, यानी जैसे कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, जब उसको यहाँ पे ऑपरेट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, उसको मीन्स मूव करने में शुरू कर देते, ख़राब थी वो चलाना चलना शुरू होगी, एक्टिवेट कर देना, यानी एक्टिवेट से एक्टिवेट भी यहाँ से आप समझेंगे, यानी यहाँ पे मूव करना, एक्टिवेट करना, स्विच ऑन करना, किसी को चलाना, टर्न ऑन कर देना, जैसे टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द टैप होता है, यानी ऑन द टैप नहीं होता, टर्न ऑन द टैप होता है, टर्न ऑफ द टैप होता है। स्टिमुलेट कर देना है, स्टिमुलेट का मतलब किसी को उकसाना, प्रोवोक भी उकसाना, मोटिवेट कर देना, किसी को प्रोत्साहित कर देना, किसी को आश्वासन देना। उसके बाद डिटेर का मतलब होता है मैं किसी को क्या कर देना, डिप्रेस कर देना, डिमोटिवेट कर देना, जिसको हम कहते हैं डिस्करेज कर देना, किसी को बोर फील करवाना, किसी को डिप्रेस कर देना, किसी को डिसवेड कर देना। डिसवेड का भी मतलब होता है जब कोई काफ़ी लो फील करता हो, डिसवेड। उसके बाद है एक्यूट। एक्यूट आप सभी को पता है यानी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, यानी काफ़ी सीरियस कंडीशन आ गई, काफ़ी ग्रेट या सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बुरी हालत हो जाती है, जैसे हम एग्जांपल अक्सर बोलते हैं ना, जब आपको खाने की कमी हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, हम बोलते हैं ना एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू, यहाँ पे यानी अगर रेनफॉल नहीं हुई तो एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होती है ड्राइनेस के कारण। यानी यहाँ पे इसका यहाँ पे सिनोनियम्स आपको क्रिटिकल, क्रूशियल, पायरेसिंग, शार्प, इंसिजिव, श्रिल, या इसकी जगह पे आप यहाँ पे ग्रेव का भी यूज़ कर सकते हैं, ये याद यूज़ करें, ग्रेव का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेव की जगह पे एक यहाँ पे डायर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप मैं इसको मेंशन कर दूंगा। डायर यहाँ पे, डायर का मतलब होता है काफ़ी भयानक,
ये इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। इसके यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे, डिम, डल, ऑब्ट्यूस और नेग्लिजेबल, यहाँ पे इसके आपको एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को जब आप एडजस्ट करते हैं, किसी को आप एसिलिमेट करते हैं, यानी यहाँ पे एसिलिमेट, एसिलिमेट का मतलब होता है किसी को जब आप चेंज करते हैं, उसको आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, कंप्लाई कर देना, अडॉप्ट कर देते हैं उस चीज़ के अंदर, आप कंप्लाई हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा, रिफ्यूज़, अनफिट, रेजिस्ट और प्रिजर्व, या फिर इस तरीके से आप इसको, मीन्स अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परिस्थिति के असिमिलेट, यानी असिमिलेट क्लाइमेट है ना, यानी किसी को क्लाइमेट के हिसाब से, किसी को यहाँ पे टोपोग्राफी के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से अडॉप्ट कर देना, तो इसका मतलब होता है मीन्स अपने एडजस्ट करना। एसिमिलेट का भी मतलब होता है एक्लेमेट या एसिमिलेट। इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, एक तो एसिलिमेट, यानी एक्लेमेट भी यहाँ पे इसका यूज़ करोगे, तो आई होप कि यू शुड प्रेफर एक्लिमेट, 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 इस तरीके से आप इसको बोलना प्रेफर करें। उसके बाद यहाँ पे है एडमेंट। एडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमेंट का मतलब होता है काफ़ी श्योर होना, यानी जो बस जिद करे कि मेरे को अपना माइंड चेंज, कुछ भी हो जाए मैं तो ये करूँगा, यानी एक ज़िद्दी टाइप का जब इंसान होता है ना। एंड यू शुड बी एडमिनेंट फॉर योर एग्जाम, यू शुड बी एन एडमिनेंट फॉर लर्निंग, आपको लर्निंग के लिए ज़िद्दी होना पड़ेगा। स्टूबर्न, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड और अनशेकेबल, जिसको कोई हिला ही ना पाए, अनशेकेबल है, ऑब्ड्यूरेट है, मीन्स जो कह देता है वो करता है। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, सपलनेस है, ये भी होता है इसका मतलब, काफ़ी ज़्यादा मीन्स नरम। और उसके बाद टेंडर है, उसके बाद अनश्योर है, श्योर नहीं होता, अनश्योर होता है, तो वही ज़्यादा ज़िद नहीं करता, वो बोलता ठीक है यही कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से। उसके बाद है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, एक इनफ अमाउंट में, एक एम्पल अमाउंट में, प्लेंटीफुल, इसका बॉन्टीफुल इसका यूज़ कर सकते, ये सभी आपने पढ़े हैं पहले, अभी ये पीछे हमने पढ़ाए, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, डिसेंट। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट, वांटिंग, इनएडिक्वेट, ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एडहीर, एडहीर का मतलब होता किसी से चिपका रहना, एडहीर का मतलब होता है एक चीज़ जो, यानी किसी चीज़ से आप जुड़े रहते हैं या चिपके रहते हैं, उसको आप एडहीर कहते हैं, यानी एक मजबूती के साथ किसी चीज़ से जब आप चिपके रहते हैं एडहीर कहते हैं। इसी कंप्लाई का मतलब होता है जुड़े रहना, फॉलो करना किसी चीज़ को, क्लिंग का मतलब भी जुड़े रहना, जब बॉन्ड रहता है ये बी का बॉन्ड है, अटैच होना यानी जुड़े रहना या उसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखना, जैसे आई एडहीर टू माई रूटीन, मैं अपनी रूटीन से, हैबिट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। एंटोनियम्स की बात करें यहाँ पे, एंटोनियम्स की बात, रेजिस्ट मीन यहाँ पर रोकना, डिफाई मना करना, डिसोबे पालन नहीं करना उसका, इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना या डिसरिकार्ड कर देना, तो ये सभी के सभी, या एक और दूसरा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देखो छोड़ना कोई भी नहीं, ताकि आप आने वाले जो वर्ड्स हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे ईजी होगा। कॉन्डमेंट कर देना, फटकारना यानी यहाँ पे किसी को कॉन्डमन, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते। एडजस्टमेंट आप सभी को पता है, किसी को बैलेंस करना, अडॉप्ट करना, कस्टम, एक्लाइमाइजेशन, एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है यानी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालना, और इसी तरीके से ये पहले भी वर्ड हमने देखा है, ये आपको नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। माला अडॉप्टेशन, उसके बाद डिस्टर्ब कर देना, कन्फ्यूज, डिस्पर्स कर देना, मिक्सअप कर देना, डिसऑर्गेनाइज, यानी यहाँ पे एडजस्टमेंट का सेकंड अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, डिसएडजस्टमेंट, ये आप ज़रूर इस पे लिख लें, यानी यहाँ पे डिसएडजस्टमेंट या डिसऑर्गेनाइज, यानी यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज या डिसएडजस्टमेंट ज़रूर आपको लिख दें, ये सिंपल सा आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चले हम, तो एडमायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एडमायर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम्स हैं। इस एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा जब करते हैं ना, एप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, किसी की वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, ब्लेम, कंडमन, डिसअप्रूव, यानी जब किसी को अप्रूव ही नहीं करते, जब किसी की आप प्रेज वैल्यू ही नहीं देते, आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हो, डिसवैल्यू कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, इस तरीके से इसके यहाँ पे आपके अपोजिट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एडमिनिशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। एडमिनिशन का मतलब होता है किसी को जब आप मीन्स एक सही वार्निंग दे देते हैं ना, किसी को फटकार लेकर आ देते हैं, एडमिनेट कर देते हैं, किसी को फटकारना, किसी को वार्न कर देना, यानी आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी के साथ बोरी गुस्से के साथ थोड़ा बात करना, एडमिनिश कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ही रिसीव्ड न्यूमरियस एडमिनेशन, एडमिनेशन का मतलब होता है काफ़ी इसको फटकार मिली, वार्निंग्स मिली, एडमिनेशन, ही हैज़, या देखो ही हैज़ रिसीव्ड न्यूमरियस या मैनी एडमिनेशन फॉर हिज बिहेवियर, उसके अपने बिहेवियर के लिए, बर्ताव के लिए उसको कई बार वार्निंग दी गई है, इस तरीके से आप इसकी बात करें। जैसे वार्निंग देना, रिप्रीमेंड का मतलब होता है फटकार लगाना, रिब्यूक कर देना यानी किसी को गुस्से के साथ किसी के साथ बात करना, क्रिटिसाइज कर देना, रिप्रूफ दे देना, इस तरीके से, तभी तो गुस्से से बात करेगा, आप गलती अपनी नहीं मानोगे तो उसने प्रूफ दिया,
वो फिर भी नहीं मान, फिर उसने रिप्रूफ दिया। इस तरीके से यहाँ पे आपके साथ वो गुस्से से ही तो बात करेगा। उसका एंटोनियम्स क्या हो गया? कमेंडेशन, यानी एक फॉर्मली किसी को जब आप प्रेज करते हैं, कमेंड करते हैं, प्रेज यानी यहाँ पे। उसके बाद पैट ऑन द बैक होता है, पीठ पे थपथपाना, शाबाश इतना अच्छा काम किया। तो इसका ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंटोनियम्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एडोलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, जब किसी की प्रेज कर देते हैं, यानी किसी की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एडमायर कर देते हैं, उसको तारीफ कर देते हैं, उसको एडोलेशन कहा जाता है। अगर इसके सिनोनियम्स की बात करें तो फ्लैटरी, यानी यहाँ पे फ्लैटरी, चापलूसी करेंगे तो तभी आप किसी की तारीफ करेंगे, जो सॉफ्ट होता है वो तो इतनी तारीफ नहीं करता, एक दो वर्ड कहेगा। सिकोफेंट, चापलूस, और बूट लिकर, देखो सपोज करो यहाँ पे वो नहीं तलवे चाटना, तलवे वो ही चाटता है, तारीफ उसी की करता है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ए पार्टी का बंदा हूँ और बी पार्टी, मेरी पार्टी तो कभी जीती नहीं और बी पार्टी, लेकिन मैं यहाँ पे ए पार्टी का होने के बावजूद ये इन बी पार्टी वालों की तारीफ नहीं करूँगा ना, आई विल जस्ट यू नो आई विल बी बूट लिकर ऑफ माई ए पार्टी, यानी उसके तलवे चाटना, उसकी प्रशंसा करना। उसका एंटोनियम्स यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है, डिफेम, किसी को शर्मिंदा कर देना। स्टायर का मतलब भी होता है, किसी को नीचा जब दिखाते हैं ना, आई विल स्टायर यू देयर, मैं आपको वहाँ पे नीचा दिखाऊंगा। किसी को नीचा दिखाते हैं जब अपनी हरकतों से, उसको आप स्टायर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टायर। रेडिकुलस और रेडिक्यूल, इसका भी मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना। उसके बाद है एडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड का मतलब होता है जब किसी को किसी के साथ हम मिक्स कर देते हैं, टू मिक्स समथिंग, जब एक चीज़ को हम किसी के साथ मिक्स कर देते हैं उसको आप एडल्टरेट कहते हैं, जैसे कॉन्टिमिनेट कर देते। सपोज करो अगर अच्छी हवा थी उसमें हमने अनप्लूटेड एयर को डाल दी, कॉन्टिमिनेट कर दिया, ख़राब कर दिया। अच्छा खाना था, अच्छी दही थी, उसमें हमने जो ख़राब दही थी वो डाल दी, उसको कॉन्टिमिनेट कर दिया, प्लूट कर देना, मिक्स कर देना, डिफाइल, ख़राब कर देना, स्पॉइल कर देना, इस तरीके से इसका। और इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, पोर, रिफाइंड कर देना, प्योर कर देना, इस तरीके से आपको इसके वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे है दूसरा जो वर्ड आपके पास, एडवेंटेजियस। एडवेंटेजियस यहाँ से आपको पता है कि अगर आप एडवेंटेज का सही से मतलब समझते हैं, यानी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी जिसके मतलब हैं, जैसे सपोज करो रनिंग के एडवेंटेज क्या है, यानी यहाँ पे दौड़ने के बेनिफिट क्या हैं या एडवेंटेज, उसको यहाँ पे एडवेंटेजेस का मतलब होता है जिसके ऊपर उसका फेवर रहा हो, जिसके ऊपर वो डोमिनेंसी रहे हो, जैसे ये एडवेंटेजेस रहा, इसका पलड़ा भारी रहा, यानी वो फेवरेबल है। जैसे बात करें तो फ़ायदा किसका हुआ या इसमें से कौन सुपीरियर रहा, सपोज करो कोई डोमिनेंट होता है, एडवेंटेजियस हो गया वो, इसका मतलब यह है कि इसका फ़ायदा मिल गया इसको, डोमिनेट। सपोज करो कीपिंग, यानी यार कीपिंग गुड हेल्थ, यू नो ये क्या करती है, लीड करती है एडवेंटेजियस इन रेसलिंग, रेसलिंग के अंदर इसकी आपको डोमिनेंसी देखने को मिलती है, यानी फेवरेबल कंडीशन रहती है। या प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस बिकम्स एडवेंटेजियस फॉर दैट पर्सन हु डज गुड इन द पार्टिकुलर गेम आर समथिंग एल्स। इस तरीके से इन्फीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी का, डिसएडवेंटेजियस, इसके आप एंटोनियम्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एडवर्सरी। एडवर्सरी, एडवर्स का मतलब होता है अपोनेंट। एडवर्स का मतलब क्या होता है, अपोनेंट या अपोजिट या राइवल, हम कहते हैं ना, सपोज करो टीम ए का टीम बी यहाँ पे क्या है, ये राइवल है, अपोनेंट है, यानी यहाँ पे चैलेंजर है, जिसको उन्होंने चैलेंज करना है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी आप डिबेट या आप डिस्कशन करते तब बोलते आई एम फॉर ऑफ द टॉपिक, आई एम फॉर द टॉपिक, यानी मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसके राइवल हूँ, इसके अपोनेंट हूँ, अगेंस्ट, अपोनेंट, राइवल, चैलेंजर, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा, एली, साथी, और स्पोर्टर, जो उसको साथ करता है, साथ देता है, उसके लिए आप यहाँ पे एडवर्सरी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एडवर्स। एडवर्सरी से लेके यहाँ पे आपको अब एडवर्स देखने को मिलेगा। अब ये एडवर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई यानी ठीक कंडीशन नहीं होती है, जो ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ जो एक डिफ़िकल्ट या क्रिटिकल सिचुएशन बनाती है किसी इंसान के लिए, सपोज़ करो एडवर्स कंडीशन, यानी एडवर्स का मतलब होता है जो फेवरेबल कंडीशन ना हो, अनफेवरेबल चीज़ हो, अनफॉर्चुनेट हो, फॉर्चुनेट ना हो, अनफॉर्चुनेट हो, इनके ही आप अपोजिट में एंटोनियम्स लिख सकते हैं। बैड, बैड की जगह पर आप गुड, यानी नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पर आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। इन ऑस्पिशियस, अशुभ जिसको हम कहते हैं, और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, तो ये इसके एंटोनियम्स बन सकते हैं, बेनिफिशियल, फ्रेंडली, फेवरेबल, पॉजिटिव, इस तरीके से आप ऑस्पिशियस, गुड, ये सभी के सभी इसके यहाँ पे एंटोनियम्स बन सकते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है, जैसे एडवोकेट से ही आप समझ, वकील, वकील क्या होता है, यानी यहाँ पे किसी के केस की सपोर्ट करता है, उसको बैक देता है, उसके ऊपर फेवर करता है, एहसान करता है, सो एडवोकेट का मतलब होता है एक सपोर्टर। इसके अगर इसकी एंटोनियम्स की बात करें तो अपोनेंट आ जाता है, एडवर्स, यानी अगर वकील हो तो वो क्या करता है, आपको उस केस को जिताने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, इसका अपोनेंट जो होता है वो दूसरा जो होता है, अपोनेंट या क्रिटिक, उसका जो दूसरा अपोजिट में जो होता है। अफेक्शनेट,
अफेक्शनेट का मतलब सिंपल सा आपको पता है कि जो एक डिवोटेड हो या केयरिंग हो. सपोज करो शोविंग दैट मीन्स ऐसा लगे कि आपको किसी की फीलिंग्स के लिए या पीपल्स की फीलिंग के लिए या किसी उनकी प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली जब आप अफेक्शनेट हो यानी एक डिवोटेड हो. जैसे एक नेता अफेक्शनेट होता है पब्लिक की प्रॉब्लम्स के लिए, तो यहाँ पे डिवोटेड होना उनके लिए केयरिंग होना या इसको आप डॉटिंग के नाम से भी DOTING डॉटिंग भी कहते हैं इसको या डिवोटेड यानी सपोज करो यानी एक सिंपैथेटिक यानी यहाँ पे एक यानी आपको यहाँ पे एक सिंपैथेटिक का मतलब होता है जब किसी की प्रॉब्लम्स को लेके हमें थोड़ा सा खुद बुरा फील हो रहा हम उनकी फीलिंग्स को जब समझने शुरू करें ना उसको सिंपैथेटिक कहते हैं. सिंपैथी और एम्पैथी आपने देखा होगा. लविंग एडोरिंग अटैचमेंट हो फॉन्डनेस शौकीन हो उन चीज़ों का उसको आप अफेक्शनेट कहते हैं.